Assalamu alaikum, class. This is Altaf Hamad Kolachi, and I welcome to all of you in Altaf's online academy. Today, we are going to the end of the tenses of continuous family as we already have learned present and past continuous tenses. Now, it's the time to move on. The family's last tense, which is future continuous or progressive tense. अच्छा आज हम continuous family के last tense, यानी future continuous या progressive tense की तरफ बढ़ रहे हैं अब इसको उर्दू में कहा जाता है जबान मुस्तबिल जारी यानी जिसमें मुस्कबिल में दिखाया जाए काम चल रहा है जारी है या मुस्तबिल इस्तमरारी भी इसको कहते हैं अच्छा अब इसमें दिखाते है क्या क्या है सबसे पहले इसकी उर्दू की सिंबल क्या है वो है रहा होगा अब देखें कल हम ये पढ़ चुके हैं कि रहा जो है ये कंटीन्यूस की निशानी है रहा मैने कंटीन्यूस भले प्रेजेंट कंटीन्यूस हो पास्ट कंटीन्यूस हो फ्यूचर कंटीन्यूस हो उसमें रहा होगा अगर प्रेजेंट है तो रहा है पास्ट है तो रहा था फ्यूचर है तो रहा होगा रही होगी रहे होंगे रही होंगी ये फ्यूचर कंटीन्यूस यानी एक काम फ्यूचर में चल रहा होगा कंटिन्यू होगा अगर सेंटेंस सिंधी में है तो उसकी सिंधी में निशानी क्या होगी रहे हो दो लाइक वाइज उर्दू रहा इन उर्दू एंड रहे हो इन सिंधी आर द सिंबल्स ऑफ कंटीन्यूस टेंस रहे हो आए माने प्रेजेंट कंटीन्यूस रहे हो पास्ट कंटीन्यूस रहे हो दो फ्यूचर कंटिन्यूस रही हूँी रहा हूंदा रही हूँ हुं हूंदों हुं। फ्यूचर कंटिन्यूसली सिंधी में निशानी अच्छा उसके बाद अगर हम इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक तो है शल बी ठीक है दूसरी है विल बी अब शल बी हम पढ़ चुके हैं पहले जैसे टू बी में और टू हैव में जिसके साथ शल लगता है यानी आई और वी के साथ उसके साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में लगेगा शल बी जिसके साथ विल लगता है यानी यू ही शी इट दे सिंगुलर आर प्लूरल नाउन उन सब के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल एंड विल बी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक है लेकिन वो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है अच्छा अब बाकी कंटिन्यूस टेंसेज की तरह इसमें भी जो है एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी ठीक है ना एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म जो है इसमें इस्तेमाल होगी अच्छा अब जो है फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर अगर हम बढ़ें अब इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की आई थिंक की ज़रूरत नहीं है हम इस चीज़ को पहले काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं तो उसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें अगर सेंटेंस पॉजिटिव का हो और उसमें हमें उर्दू के सिंबल मिल जाए अगर सिंधी में है तो सिंधी के सिंबल मैच हो जाए अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश के सिंबल मैच हो जाए और फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब अगर इंग्लिश में है तो इंग हो जैसे रीडिंग कमिंग गोइंग राइटिंग ओपनिंग क्लोजिंग इंग लगा हुआ हो तो हम कन्फर्म हो जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस का सेंटेंस है अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो सबसे पहले उसकी क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा ठीक है सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब जैसे हम ऊपर पढ़ के आ गए हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे पर सब्जेक्ट कौन सा है अगर सब्जेक्ट में है आए और वी तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा शल अगर सब्जेक्ट में इनमें से कुछ है तो हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी अगर इनमें से है तो होगा शल बी अच्छा उसके बाद एक्शन वर्ब एक्शन वर्ब की फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया अगर नेगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव का है तो सबसे पहले आप रखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद रखेंगे नॉट अब हेल्पिंग वर्ब यानी ये देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब एक है दो वर्ड्स पर मुशतमिल है ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अगर एक ही हेल्पिंग वर्ब हो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड यानी विल या शल उसके बाद नाठ उसके बाद बी अब यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखने की बजाय बी लिख दिया है क्योंकि यह सेम रहेगा यहाँ पर शल और विल चेंज होते रहेंगे लेकिन यह शल के साथ भी यहाँ पर बी लगेगा विल होगा तब भी यहाँ पर बी लगेगा एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म उसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप अच्छा इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब अगेन विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट अच्छा उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद बी अब ये देखें यहाँ पर बी ही रहेगा इधर शल या विल चेंज होता रहेगा सब्जेक्ट के हिसाब से लेकिन यहाँ पर बी जो है वो कॉन्स्टेंट है उसके बाद एक्शन वर्ब जो है वो इंग में लगेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्क उसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद हम रखेंगे नॉट नॉट के बाद रखेंगे बी उसके बाद रखेंगे एक्शन वर्क फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है ये आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो गया अच्छा अब इसका हम मिसाल लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम एग्ज़ाम्पल इस जैसे लिखा वो खत् लिख रहा होगा अब यहाँ पर देखें सबसे पहले तो देखेंगे एक्शन वर्ब इसमें है हाँ है ये देखें लिख लिखा हुआ है ना एक्शन यानी काम चल रहा है कौन सा लिखने का काम हो रहा है अच्छा अब उसके बाद देखें सेंटेंस की सिम्बल से मैच होती है रहा होगा वो देखें ये रहा होगा मैच हो गया अच्छा अब अगर सिंधी में हम कहेंगे तो हु खत लिखी रहेहो हूँ दो अब ये देखें रेहो हूँ दो मैच हो गया और एक्शन वर्ब भी है लिखी यानी लिखना वो लिखने का काम कर रहा होगा फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा तो हम श्योर हो गए कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटिन्यूस आर प्रोग्रेसिव टेंस नाउ इट्स द टाइम टू मूव द सेंटेंस इन टू इंग्लिश इफ़ द सेंटेंस इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डाउन सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ वो या हु इन इंग्लिश इट विल ही ओके पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट ही after that we will have to put down helping verb and with he we will have to put will be as its helping verb he will be after that we will have to place action verb but action verb in ing form its likh ya likhna likhna ki english hoti hai but we will have to put the ing form of action verb it will be writing in the last uh, object which is khat a letter

अब बी मैंने आपको जैसे बताया पहले हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड जो कि है शल या विल यहाँ पर वो लग गया उसके बाद बी आफ्टर दैट एक्शन वर्ब इन फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब राइटिंग एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट एंड हेयर इज़ द ऑब्जेक्ट अ लेटर फुल स्टॉप द सेंटेंस हैज बिन कन्वर्टेड अच्छा अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो सबसे पहले आप रखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो कि है विल अब विल क्यों रखा हमने सब्जेक्ट को देख के ही को देख के हमने रखा है विल इसके साथ विल बी लगता है लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पहला वर्ड रखेंगे हेल्पिंग वर्ब का विल उसके बाद सब्जेक्ट ही उसके बाद बी बी उसके बाद एक्शन वर्क की इंग फॉर्म राइटिंग आखिर में ऑब्जेक्ट अ लेटर क्वेश्चन मार्क अच्छा इंटेरोगेटिव है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल अब विल ही की वजह से सब्जेक्ट ही उसके बाद नॉट बी एक्शन वर्ब की इंग फॉर्म राइटिंग ऑब्जेक्ट अ लेटर अच्छा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो आखिर में हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हो गया होपफुली आपको यह टेंस समझ में आ गया होगा अच्छा अब आगे बढ़ते हैं फाइव टू फिफ्टीन स्केल के लिए आज जो मैं वो लिख के आया हूँ आपके लिए वो है वर्ड्स एंड देयर एंटानम्स या अपोजिट अपोजिट मीनिंग वर्ड्स ठीक है अब एंटानम्स की मीनिंग क्या होती है एंटानम को अपोजिट मीनिंग वर्ड भी कहा जाता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं अजदाद जिद ठीक है ना अच्छा तो आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है फेम अब फेम की माने अच्छा ये मीनिंग जो मैंने लिखी है मीनिंग मैंने लिखी है वर्ड की इसकी मीनिंग नहीं लिखी है अब ये एंटानम है तो जाहिर सी बात है इसका उलट मीनिंग होगी इसकी ठीक है अब जैसे पहला वर्ड है इस वर्ड की मीनिंग फेम अब फेम की मीनिंग क्या है फेम की मीनिंग है शोहरत जैसे होती है ना वो फ़लाँ इंसान शोहरत के अला दर्जे पर पहुँच गया वगैरह वग़ैरह फेम माने शोहरत अब शहरत का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है या जो एंटानम है वो क्या है डिसरेप्यूट या डिसऑनर ये दोनों इसके अपोजिट हैं ठीक है ना अच्छा आई बी ए क्या करता है ये चीज़ आप समझ लें आज इसलिए मैंने दो दो वर्ड्स एंटानम्स लिखे हैं आई बी ए आपको क्या करती है फेम का डिसरेप्यूट भी होता है डिसऑनर भी होता है आई बी ए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या एक पैसेज देगा उस पैसेज में फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड लिखा होगा फेम आई भी नीचे आपको कहेगा कि फेम वर्ड का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपोजिट कौन सा बनता है अब वो आपको इन दोनों में से एक देगा या तो देगा डिसरेप्यूट या तो देगा डिसऑनर ठीक हो गया तो इन दोनों में से आपने एक ही जो है चूज़ करना है हालांकि दोनों इसके अपोजिट ही हैं अब इसकी माने फेम माने शोहरत और इन दोनों की माने क्या है जिल्लत और रसवाई बेज़ती ठीक हो गया अच्छा उसके बाद हमारे पास सेकंड वर्ड है इम्प्रूव इम्प्रूव की माने कोई चीज़ बेहतर बनाना मजीद अच्छी करना जैसे हम कहते हैं ना इम्प्रूव योर इंग्लिश इम्प्रूव योर स्टाइल इम्प्रूव योर लैंग्वेज वगैरह वगैरह तो इम्प्रूव का जो अपोज़िट मीनिंग वर्ड है या एंटानम जो है वो है वर्सन वर्सन की माने होती है वर्स आपने सुना होगा वर्स माने बुरा करना वर्सन माने मजीद बुरा करना अब ये देखें इम्प्रूव माने मज़ीद बेहतर करना और वर्सन माने मज़ीद किसी चीज़ को बुरा करना अच्छा इसका और भी एक अपोजिट है डिस टेरट डिस्टेरियोरेट यानी सॉरी डिटेरेट यानी किसी चीज़ को बिगाड़ना अब ये है किसी चीज़ को बेहतर बनाना मज़ीद अच्छा करना डिटरीो रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मजीद बिगाड़ना मज़ीद खराब कर देना अच्छा डिटरीो रेट इंपॉर्टेंट है इसकी स्पेलिंग्स भी आप जो है ना याद कर लीजिएगा ये स्पेलिंग में भी आ सकता है अच्छा अब एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा था कि सर अब हमें स्पेलिंग का कोई तरीका बताएं अब स्पेलिंग का हमें कैसे पता लगे कि कौन सी स्पेलिंग जैसे साइकोलॉजी में पी आ गया आ गया और जैसे नॉलेज में के साइलेंट आ जाता है तो इसका हमें कैसे पता लगे देखिए मैंने उसको तो रेस्पॉन्स किया लेकिन मैं आपके साथ भी वो बात शेयर करना चाहूँगा देखिए स्पेलिंग का कोई कायदा और कानून नहीं होता तो स्पेलिंग आपको एक होता याद करना एक होता रटना अब रटने का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ भले आपको समझ में आए चाहे ना आए आप उसे रट लो ठीक है ना अब हालांकि एज ए टीचर मैं कभी किसी चीज़ को इस चीज़ को प्रो, रटने को प्रोमोट नहीं करता हूँ लेकिन ये चीज़ें रटने वाली हैं अब स्पेलिंग इस आप इसकी या इंटरनाम आप इसका क्या इसका आप थ्योरी समझोगे क्या इसका कॉन्सेप्ट समझोगे ठीक है ना कहीं कहीं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका जो बनता है एंटानम बनता है अदरवाइज ये रटने पड़ते हैं ये आपको याद करने पड़ते हैं सेम तरीके से स्पेलिंग का तो बिल्कुल ही कोई कानून नहीं होता स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ती है तो वो चीज़ समझने से ताल्लुक़ नहीं रखती हम ग्रामर इसलिए सीखते हैं कि ग्रामर जो है कॉन्सेपचुअल चीज़ है ग्रामर कॉन्सेप्ट है उसको हमें समझना पड़ता है हम स्पेलिंग इस इसलिए सीखते नहीं हैं क्योंकि उसका सीखने से ताल्लुक़ ही नहीं है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हैं ही कोई नहीं स्पेलिंग हमें सिर्फ याद करनी पड़ती है इसलिए हम स्पेलिंग इस सिर्फ याद करते हैं और ग्रामर हम सीखते हैं अच्छा उसके बाद वर्ड है हमारे पास लेसन अच्छा इसको एक बात समझ लें अब एक होता है लेसन लेसन माने होता है सबक जैसे हम पढ़ते हैं उर्दू में सिंधी में सबक पढ़ते हैं यह है लेसन अब यह लेसन एल ई डबल एस लेस का मतलब होता है कम ये उसका वर्ब है लेसन लेसन की माने कम करना किसी चीज़ को कम करना घटाना किसी चीज़ को अब इसका जो एंटानम या अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या होगा हम एक चीज़ को घटा रहे हैं तो अपोज़िट मीनिंग क्या होगा इनक्रीज़ यानी बढ़ाना इन लार्ज यानी मजीद बढ़ा करना मज़ीद बढ़ाना अच्छा उसके बाद हमारे पास वर्ड है आज हिपोक्रेसी अब हिपोक्रेसी के माने होती है मुनाफत अब मुनाफकत तो आपने इसका आपको पता ही होगा मुनाफिक उस शख़्स को कहते हैं जो बाहर से कुछ और हो और वो अंदर से कुछ हो मिसाल के तौर पर बाहर से वो आपकी तारीफ़ कर रहा हो अंदर में आपको गालियाँ निकाल रहा हो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ आजकल कुछ ज़्यादा ही है कि हम मुनाफिक हैं अल्लाह पाक हमें माफ़ करे लेकिन आपको पता है हदीस शरीफ़ के मुताबिक मुनाफिक ज वो काफिरों से भी बदतर हैं क्योंकि काफिर एक ही दफ़ा में सीधे से बात करते हैं ना जो चीज़ नहीं मानते वो नहीं मानते मुनाफिक मुंह पर मानते हैं पीछे पीछे कुछ और बात करते हैं जो कि बहुत ही गलत है और हदीस के मुताबिक मुनाफिक जहनम के निचले तरीन दर्जे में होंगे दो चार नहीं मुझको फ़कत एक ही दिखा दो वो शख़्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो ठीक है ना तो आज कल अल्लाह माफ़ करे मुनाफकत हमारे यहाँ ज़्यादा है तो हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफ्त को यानी अंदर कुछ और बाहर कुछ और होना अच्छा इसका जो अदर अपोजिट मीनिंग वर्ड है या एंटानम है, वो है ऑनेस्टी यानी सच्चाई यानी मुनाफकत ना हो सच्चाई जो दिल में है वो कह दो अपराइटनेस अब अपराइटनेस का मतलब होता है सीधा साधा बंदा मुस्तकिल किस्म का एक सिंपल सा बंदा जो उसके दिल में है वही सीधा उसके सामने बोल दे तो वो मुनाफिक नहीं कहलाता ठीक है मुनाफत के वो अपोजिट हैं अच्छा अब जो हमारे पास वर्ड है गिफ्टेड अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको आप गौर से देखें और इसका अपोजिट भी गौर से देख लें अब गिफ्टेड का मतलब यहाँ मैंने लिखा है बहुत होशियार अब गिफ्ट तो आपने सुना है तोहफा हम आम तौर पर एक वर्ड सुनते हैं ये गॉड गिफ्टेड है ठीक है ना गॉड गिफ्टेड अब गॉड गिफ्टेड का मतलब यहाँ वह यहाँ पर ये यह नहीं तो खुदा ने उसको नवाजा है लेकिन किस चीज़ से अकल से या किसी ऐसे स्किल से कि दूसरे उसके बराबर भी नहीं खड़े हो सकते अब यहाँ पर गिफ्टेड का मतलब है बहुत होशियार ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आई ऐसे वर्ड आपको देता है मिसाल के तौर ऊपर लिखा होगा कि अहमद इज़ रियली अ गॉड गिफ्टेड बॉय अ गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट अच्छा अब ऊपर गॉड गिफ्टेड लिखा होगा नीचे आई बह आपको कहेगा कि गॉड गिफ्टेड जो है यहाँ पर वर्ड गिफ्टेड है जो ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका एंटानम बता दें हमें आप तो गिफ्टेड का मतलब है बहुत होशियार कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अब उसका जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है वो है स्टूपिड या इडियट अब गिफ्टेड माने बहुत होशियार और जो है एंटानम इसका बनेगा स्टूपिड या इडियट बेवकूफ ठीक है ना बेवकूफ पागल अच्छा उसके बाद आज का लास्ट वर्ड है हमारे वर्ड और एंटानम के सेक्शन में निगलैक्ट अब निगलैक्ट की माने होती है गफलत लापरवाही हम किसी चीज़ से गफलत बरतते हैं ना लापरवाही बरतते हैं उसे निगलैक्ट कहते हैं अब निगलैक्ट का एंटानम वर्ड क्या है हीड हीड माने किसी चीज़ को तवज्जो देना गफलत क्या होती है हम उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते अब जाहिर सी बात है ये जब इसका अपोजिट है ये तो इसका अपोजिट है तो इसकी मीनिंग क्या होगी हीड माने तवज्जो देना ये निगलैक्ट की मीनिंग है गफलत हीड या पे अटेंशन यानी किसी चीज़ को तवज्जो देना होपफुली आज का ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा इन शाला इससे आगे हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे थैंक यू वेरी मच